सांसद इस बार कौन बनेगा? पप्पू यादव से उम्मीद है? क्यों नहीं, पूरा उम्मीद है, उम्मीद नहीं भी रहेगा, हम लोग उम्मीद वहाँ खड़े रहेंगे जिताने के। पप्पू यादव जी पे हम लोग को 100% भरोसा है कि वो हम लोगों का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जाति में रोक लगा दी गई, हम लोग बहुत परेशान। अब हमें उम्मीद है कि हमारे पप्पू यादव जरूर विकास करेंगे। मोदी नहीं कर पाए, पप्पू कर पाएंगे? अब पप्पू से उम्मीद है, हमारी उम्मीद है, धूप में बैठे हैं उससे उम्मीद है पूरी हमारी पप्पू। पूर्णिया का रंगभूमि मैदान भरा हुआ इस वक्त भीड़ से, ये भीड़ पप्पू यादव के लिए आई है और रंगभूमि मैदान से पप्पू यादव ये संदेश दिल्ली में बैठे नेताओं को दे रहे हैं कि अब पूर्णिया की जनता किसके साथ है। महिलाओं की भारी भीड़ नजर आ रही है रंगभूमि मैदान में, और रंगभूमि मैदान से ही पप्पू यादव चुनावी शंखनाद तो कर चुके हैं, लेकिन आज जो हुंकार भरेंगे ये गूंज दिल्ली तक जाने वाली है। पूर्णिया की जनता का क्या राय है? जो इस रंगभूमि मैदान में महिलाएं आई है वो क्या कह रही हैं? महिलाओं का क्या मत है ये जानने की जरूरत है। अब एक एक करके लोगों से बात, कहाँ से आई हैं आप ये बताइए। गेड़ाबाड़ी से। अच्छा, तो संसदीय क्षेत्र पूर्णिया, सांसद इस बार कौन बनेगा? पप्पू यादव। अच्छा, पप्पू यादव काम करने वाले नेता है। यहाँ पर एनडीए का भी कैंडिडेट होगा, टक्कर दे पाएंगे, जीत पाएंगे पप्पू यादव? आप कहाँ से आई हैं? कटिहार जिला से। कटिहार से आई हैं। पप्पू यादव से उम्मीद है? क्यों नहीं, पूरा उम्मीद है, उम्मीद नहीं भी रहेगा, हम लोग उम्मीद वहाँ खड़े रहेंगे जिताने के लिए। आ रहे हैं, जीतेंगे इस बार पप्पू यादव? पूरा गारंटी है जीतेंगे, जिताएंगे हम लोग। एक चीज बताइए, महिलाओं के लिए बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जाति नहीं बन रही है, रोक लगी हुई है जाति। बच्ची सब पढ़े लिखे हैं, मुझे नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है जाति के लिए, सब रोक लगी हुई है ब्लॉक से। तो पप्पू यादव ये सब चीजें करेंगे, भरोसा है? नहीं करेंगे सर। आप कहाँ से आई हैं? मैं कटिहार जिला से आई हूँ। आप भी कटिहार से आई हैं? जी। अच्छा, पप्पू यादव पर कितना भरोसा है काम करने वाले? पप्पू यादव जी पे हम लोग को 100% भरोसा है कि वो हम लोगों का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जाति में रोक लगा दी गई, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे सारे बच्चे भी हैं जो नवोदय पास करके नौकरी निकाल के बैठे हुए, जाति के वजह से हमारे बच्चों की में पढ़ाई में रोक लगा दी गई, नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग परेशान हो गए हैं, पढ़ना छोड़ दिए हैं। इसलिए हम लोग अपने पप्पू यादव जी से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो हम लोग की जाति में वो जो रोक लगाए वो हम लोग की जाति ठीक कराए, हम लोग की जाति बनवाए। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे आए हैं, और वो इस बार जीतेंगे और हमारा काम करवाएंगे। जाति की यहाँ क्या समस्या है ये बताइए? हमारी जाति, हम लोग बंजारा जाति से बिलोंग करते हैं, हमारी जाति में रोक लगा दी गई है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गेड़ाबाड़ी में, और कहीं नहीं, सब जगह बन रही, सिर्फ हमारे गेड़ाबाड़ी जाति में रोक लगा दी गई है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे नवोदय निकाल के बैठे हुए हैं, एडमिशन नहीं हो रही है, नौकरी निकाल ली है उसमें एडमिशन नहीं हो रही है। तो पप्पू यादव से उम्मीद है कि ये सारी चीजें कर पाएंगे? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है पप्पू यादव जी हमारा पूरा काम करेंगे, हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, और हमें उनको जिताना है। एनडीए के भी यहाँ सांसद रहे हैं जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी से, संतोष कुशवाहा, उन्होंने कितना काम किया आप लोगों के? हम लोगों ने ये वाला जो वो प्रस्ताव है सब जगह रखे हैं, हमारा कहीं नहीं हुआ है। हमें इनके तरफ से 90% अभी तक उम्मीद लगी है कि हमारा काम कराएंगे, अभी तक काम पहुंच चुका है, आश्वासन बहुत बड़ा दिए हैं काम होगा, और भी मतलब के हम लोग समक्ष गए थे, हम लोग का काम नहीं हुआ, और यहाँ आए हमें वह आश्वासन मिला है कि हमारा काम होगा, जरूर होगा। देखिए, लगातार यहाँ पर महिलाओं की भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है, आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं सर गेड़ाबाड़ी बाजार से, जुरावगंज मेरा गांव है, कटिहार मेरा जिला। तो पप्पू यादव से कितना उम्मीद है आप लोगों? हमें बहुत सारे नेता को हम लोग वोट दी है, किसी ने हमारा विकास नहीं किया, अब हमें उम्मीद है कि हमारे पप्पू यादव जरूर विकास करेंगे। चुने हैं पप्पू भैया जैसा नेता चुने हैं, देखते हैं उनको भी अपनी सब परिवार वोट देंगे, जैसे वादा किए फैक्ट्री बनाएंगे, ऐसे बेटा ऐसे बैठे रहते हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे बाल बच्चे कहीं कहीं ऐसे काम करते हैं,
इसलिए उम्मीद लेके आए हैं पप्पू यादव के पास। हम उनको जिताएंगे, वो हमारा विकास जरूर करेंगे, वादा किए। अच्छा, पप्पू यादव को कौन पार्टी टिकट नहीं दे रही है, क्यों पप्पू यादव को कोई दल टिकट क्यों नहीं दे रही है? पप्पू यादव को लेकर कहा था कि समर्थन ही नहीं है लोगों का। नहीं सर, समर्थन है, है हम लोग का पूरा, हमारा गांव पूरा समर्थन दे रहा है। नेता बना के रखना है कि बेटा? नेता भी बन के रहेगा, बेटा भी बन के रहेगा। अच्छा, आप कहां से आई हैं? नया टोला जुरापगंज से। अच्छा, पप्पू यादव से कितना उम्मीद, कितना भरोसा है? उम्मीद तो सबसे है, अभी इससे भी उम्मीद है। देखिए हम लोग का काम करता है कि नहीं करता। हम लोग की एक ही प्रॉब्लम है, जाति, जाति की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जाति के वजह से तो कुछ होगा नहीं, वो ही हम लोग की प्रॉब्लम है। आप लोगों की जाति क्या है, पूछना तो नहीं चलेगा? कष्टी ना बंजारा। तो आप लोगों की समस्या ये है कि उसको मान्यता नहीं मिल रही है। अच्छा, कितने नेताओं ने क्या क्या आश्वासन दिया उसको लेकर? कुछ भी नहीं, वैसे बोलते थे बना देंगे, कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया, वैसा कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। सबने बोला कि बना करवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अब इससे हम लोगों की उम्मीद है, जुड़ी है, शायद वो कर सके हम लोगों का। कितने समय से आप लोग इस लड़ाई को लड़ रही हैं? अभी वहीं से 2018 से, हाँ 2018 से 18 से लड़ रहे हैं हम लोग। कविता पासवान के पास भी कटिहार गए, वहाँ भी नहीं बना। डीएम के पास, पहले डीएम था उसके पास गए, वो भी नहीं बना। सब बोला सीओ है, सीओ के पास जाते, सीओ बोलते डीएम के पास जाइए, ऐसे टड़ाते रहते। सब नेता के जो नेता था उसी के पास जाते, कोई देता ही नहीं, बनाता ही नहीं है। खाली हाँ करेंगे कोशिश की, करेंगे, कोई कोशिश नहीं हो रहा। पप्पू यादव बना देंगे, उसको मानेंगे भगवान है कि हम लोग के बच्चे का भविष्य बन गया है। हम लोग के बच्चे घर बैठे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। कितनी की आबादी है आप लोग? बहुत ही आबादी हम लोग की है, हम लोग के गांव में 4,000 आबादी है। 4,000। अच्छा, तो ये समस्या आप लोग 2018 से फेस कर रही हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर अगर बात किया तो आप लोग को आश्वासन मिला कभी? नहीं मिला, हम लोग का वही है। सुन लेते इनकी, सुनिए क्या। हम लोग के गांव में कोई रोज रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं सब लोग। मेन हथियार है जाति, उसी जाति पे ही रोक लगा दी गई है, ताकि हम लोग के बच्चे पढ़ भी नहीं पाए, पढ़ भी नहीं रहे हैं, बिना एडमिशन के बैठे हैं, वैकेंसी निकाल के बैठे हैं। करंट जाति नहीं मिल रही, पुरानी जाति है हम लोग के पास, 2018 से रोक लगा दी गई है। तो ये आप सब लोग वहीं से आई हैं? अच्छा, अब बच्चों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी स्कूल? स्कूल की बहुत ही जाति के चलते कुछ रोजगार नहीं है, काम काज नहीं है, वही है जाति के वजह से कोई काम नहीं मिलता, कोई रोजगार। इस बार के लोकसभा के चुनाव में, इस बार जो एमपी का चुनाव हो रहा है पूर्णिया संसदीय क्षेत्र पर, एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये आप लोगों के लिए? अच्छी बात है, फैक्ट्री। तो आप लोग वोट इस आधार पर पूर्व में भी करते रहे हैं, 19 के चुनाव में था, हाँ। उस वक्त मुद्दा बना था ये? उस वक्त नहीं याद है हमें, उस वक्त इतना दूर नहीं था, नहीं नहीं था। और यहाँ का जो जेडीयू का एमपी है वो कुछ आश्वासन नहीं देते आप लोग? कोई नहीं। भरोसा है पप्पू यादव? बहुत भरोसा। मोदी जीते, वो भी कुछ नहीं किए, उसके वो जीते थे और महंगाई हो गई। मोदी नहीं कर पाए, पप्पू कर पाएंगे? अब पप्पू से उम्मीद है हमारी, उम्मीद है, धूप से, धूप में बैठे हैं, उससे उम्मीद है पूरी हमारी पप्पू से। मोदी के दस्तान बहुत ही महंगाई हो गई, हर चीज में महंगाई है। अब पप्पू से उम्मीद है हमारी, हर कर ले पढ़ाई में, हर चीज में मदद। पप्पू नेता को भी देखना है कि वो मेरा काम करते हैं कि नहीं। ऐसे नेते तो बहुत आए, बोल के गए काम कराएंगे, अब इसका भी नहीं देखेंगे ये कराते हैं कि नहीं हम लोग का काम कराते हैं। देखिए, ये रंग भूमि मैदान और कटिहार से आई ये महिलाएं जिनकी समस्या बहुत बड़ी है। ये समस्या अपने आप में एक बड़ी समस्या, क्योंकि जातीय आधार पर इनको जो परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, एक लंबे समय से ये फेस कर रहे हैं, और अब चुनाव में मुद्दा है, और सामने पप्पू यादव जैसे लड़ाकू नेता जो लड़ने के लिए जाने जाते हैं, जो हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। पूर्णिया का रंगभूमि मैदान भरा है पप्पू यादव के समर्थकों से, और हुंकार दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाने के लिए है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें।